केंद्र सरकार ने पिछले साल महंगाई पर रोक लगाने और खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई बड़े फैसले लिए थे। इनमें टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला शामिल था। ये बड़ा फैसला था क्योंकि कई देश चावल को लेकर भारत पर निर्भर रहते हैं। भारत ने बीच बीच में बासमती और कुछ विशेष चावल की किस्मों के निर्यात को मंजूरी दी। इसके चलते एक्सपोर्ट का एक नया रिकॉर्ड बना, दाम भी काफी अच्छे मिले। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की अच्छी कीमतें मिल सकती हैं। ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये मुनाफे का अच्छा मौका है। किसान भाई आने वाले खरीफ सीजन में धान की हाईटेक खेती करके आर्थिक स्थिति को काफी हद तक सुधार सकते हैं। ऐसे में हम आपकी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे हैं IARI पूसा के निदेशक डॉक्टर AK सिंह के पास। डॉक्टर AK सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। डॉक्टर सिंह को भारत में बासमती किंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में जानते हैं डॉक्टर सिंह धान की खेती को लेकर क्या सुझाव देते हैं और कैसे किसान भाई इसको अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत ने चावल के निर्यात में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इस बार अगर हम बात करें बासमती चावल के निर्यात की तो तकरीबन 50,000 करोड़ रुपये का बासमती चावल इस वर्ष निर्यात हुआ है और इसके साथ ही साथ जो गैर बासमती चावल हैं उनका भी निर्यात करीब करीब 11 से 12 मिलियन टन का हुआ है। बासमती का निर्यात जो है 5.5 मिलियन टन का हुआ है। कुल मिलाकर के हम देखें तो चावल के द्वारा निर्यात से हमको तकरीबन 1,00,000 करोड़ के आसपास जो है विदेशी मुद्रा का अर्जन इस बार हुआ है। तो ये सब संभव इस वजह से हो पाया है कि शोध के द्वारा और सरकार की सही नीतियों के कारण जो है किसानों को अच्छी पैदावार मिली है और उसका अच्छा दाम मिला है, मूल्य मिला है और किसानों ने इसका फायदा उठाया है। रही जहाँ तक बात किस्मों के बारे में, तो अगर हम बासमती किस्मों की बात करें तो पूसा संस्थान के द्वारा विकसित जो प्रमुख किस्में हैं उसमें पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1401। ये तमाम किस्में हैं जो बहुत प्रचलित हैं और इन सारी किस्मों को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो कम समय में पककर तैयार होने वाली किस्में जो कि 120 से 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं, इसमें 1509, 1847, 1692 मुख्य रूप से आती हैं। और दूसरा समूह जो है वो 1121 कैटेगरी का है, उनकी जो अवधि है करीब 145 दिन की है, उसमें 1121, 1718, 1885 ये प्रमुख किस्में आती हैं। और 1401 जो हमारी किस्म है उसकी एक श्रेणी है जो कि 155 दिन का समय लेती है, उसमें 1401, 1886 और 1728 ये तीन प्रमुख किस्में हैं। दूसरी बात रही कि हम अच्छी पैदावार लेने के लिए क्या प्रमुख सावधानियां हमको देखनी पड़ेगी, तो उसमें जो सही किस्म का चयन बहुत ज़रूरी है। जो हमने नई किस्में भी विकसित की हैं जैसे पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886, इन तीनों किस्मों में पत्ती का झुलसा और झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है, तो इन किस्मों को लगाएंगे आपको दवा की छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें आपकी लागत कम होगी और पैदावार भी अच्छी होगी और उत्पाद का मूल्य भी अच्छा। पैदावार के सिलसिले में आपने जो किस्में बताई हैं सर, कि अगर एक एकड़ में कोई आपने जो किस्म बताई उसको लगाता है तो वो कितना उसकी पैदावार हो सकती है? देखिए आमतौर पे जो 1509 के सेगमेंट की किस्में हैं उनकी पैदावार 25 क्विंटल प्रति एकड़ से लेकर के और करीब करीब 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो रही है। 1847 की पैदावार इस बार पिछले वर्ष जो किसानों ने लगाया था करीब उन्होंने 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ बताई थी। उसी तरह से 1121 की पैदावार हमारी 22 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास आती है और 1401 की पैदावार 20 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास आती है। तो ये सभी किस्में अच्छी पैदावार देती हैं और पिछले वर्ष दाम भी अच्छा मिला, 3500 रुपये से शुरू होकर के करीब 4500 रुपये प्रति क्विंटल का दाम जो इन किस्मों को मिला है, तो किसानों को अच्छी आमदनी इससे हुई। कोई ऐसी किस्में हैं सर जिसमें कम समय में जिसकी उपज हो सके और उसमें कम पानी की भी ज़रूरत पड़े और पैदावार भी अधिक? तो सही आपने जो प्रश्न किया वो पूछा, बासमती 1509,
कुशा बासमती 1692 और कुशा बासमती 1847, ये तीनों किस्में कम समय में पककर तैयार होती हैं और पैदावार भी इनकी 25 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ की होती है। पानी बचाने के लिए एक बात और मैं जोर देना चाहूँगा कि आजकल धान की सीधी बिजाई को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है विभिन्न सरकारों के द्वारा, और धान की सीधी बिजाई में पानी की काफ़ी बचत होती है। करीब 30-40% पानी की बचत धान की सीधी बिजाई में होती है। इसके अलावा जो एक एकड़ धान की रुपाई में खर्च आता है वो करीब 4 से 4,500 रुपये प्रति एकड़ का आता है, वो भी बचता है क्योंकि इसमें धान की जब सीधी बिजाई करते हैं तो वो आपको रुपाई का खर्चा बच जाता है। और इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसमें भी करीब 30% की कमी आती है। तो मैं अनुरोध करूँगा किसान भाइयों से कि और ये सारी किस्में जिसकी मैंने चर्चा की धान की सीधी बिजाई के लिए भी उपयुक्त पाई गई हैं, किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे धान की सीधी बिजाई को आगे अपनाएं और इसको बढ़ावा दें। इसके लिए जो बिजाई का सही समय है वो 25 मई से लेकर के 15 जून तक का है। इस समय अवधि के अंदर आपको धान की सीधी बिजाई कर लेनी चाहिए। धान की सीधी बिजाई करने के लिए हम आमतौर पर दो तरीके अपनाते हैं, एक जिसको हम तर बतर विधि कहते हैं, इसमें पहले खेत में गेहूँ की कटाई करने के बाद खेत को जुताई कर लीजिए, उसमें खेत में पानी लगाइए और जब बत्तर आ जाता है तो उसके बाद खेत की अच्छी तरह से जुताई करके लेजर लेवलिंग करके और फिर सीड ड्रिल से आप धान की बिजाई करिए। एक एकड़ की बिजाई में करीब 8 किलोग्राम के आसपास बीज लगता है, जो बहुत बारीक दाने वाली किस्में हैं हम 6 किलो में भी एक एकड़ की बिजाई कर लेते हैं। जैसे गेहूँ की बिजाई सीड ड्रिल से करते हैं वैसे ही धान की बिजाई भी सीड ड्रिल से करते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि पहले आप धान की बिजाई कर दीजिए और उसके बाद पानी लगा दीजिए खेत में। तो जब धान की सीधी बिजाई करते हैं तो खेत में आपको आवश्यकता अनुसार पानी लगाना पड़ता है, हफ्ते में या 10-15 दिन के बाद एक पानी की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ासकर शुरू के समय में जो आपका जो है जून का महीना है, उसके बाद जब बरसात शुरू हो जाती है तो फिर आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर पानी नहीं बरसता है तब शायद पानी लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी, तो आवश्यकता अनुसार इसको करेंगे तो इससे आपको पानी की काफ़ी बचत होगी। बुवाई से पहले खेती की जुताई और भी जो अन्य चीज़ें हैं जो किसानों को जानकारी में रखनी चाहिए जिससे मतलब जब बुवाई करेंगे तो उनको अच्छी पैदावार हो, उनकी फसल बेहतर हो, उसके लिए क्या सुझाव? एक तो सबसे जो मुख्य मुद्दा है उसमें बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। आप बीज किसी संस्था से खरीद के लाए हैं या अपने खेत से जो उत्पादन हुआ है उसमें से बचा करके बीज रखे हैं, उसको बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। और उपचार करने के लिए दो दवाएं हैं, एक तो रोबस्टिन होती है और दूसरा है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इन दोनों दवाओं की के द्वारा बीज का उपचार करते हैं। इसमें करीब करीब आपका जो है 1 ग्राम से 2 ग्राम हम रोबस्टिन लेते हैं, ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेते हैं और करीब करीब 10 ग्राम रोबस्टिन लेते हैं। इसको 10 लीटर पानी में घोल करके और 6 किलो या 8 किलो बीज जो है उसको पानी में डुबो करके आप 24 घंटे रखिए। तो इससे क्या होता है कि जो बीज जनित बीमारियां हैं फफूंद के द्वारा होती हैं, विशेष रूप से जो शुरू की अवस्था में रोपाई करने के तुरंत बाद जो है बकाने की बीमारी की बहुत समस्या आती है, उससे निजात मिलेगा। उसके साथ साथ जो ब्लास्ट बीमारी आती है, पत्ती का झुलसा रोग आता है, इससे आपको नियंत्रण मिलेगा। तो बीज का उपचार किसान भाई जरूर करें, इसको कभी भी हल्के में न लें। दूसरा, अगर अपने फसल से प्राप्त बीज का प्रयोग कर रहे हैं बिजाई के लिए तो आप नमक का घोल बना सकते हैं, 10% नमक का घोल बना करके और उसमें बीज को डुबो करके रखिए। जो हल्के बीज हैं ऊपर तैरने लगते हैं और जो भारी बीज हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जो तैरते हुए बीज हैं उनको निकाल करके फेंक दीजिए और जो नीचे बैठे हुए बीज हैं, भारी बीज हैं, वो अच्छे बीज हैं, उनको निकाल करके 3-4 बार उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर लीजिए ताकि नमक का प्रभाव समाप्त हो जाए। उसके बाद फिर बीज का उपचार फफूंदनाशी दवा या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो दवा में बताई उससे करिए और उसके बाद बिजाई करिए। धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं तो उसमें एक बात आपको ध्यान में रखने की है कि खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधी बिजाई में खरपतवार से नुकसान काफ़ी होता है। उसके लिए बुआई के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर ही आपको पेंटीमिथ्रिन नामक दवा आती है, उसका छिड़काव करना पड़ता है। और जब फसल 18 से 20 दिन की हो जाती है तो उसमें एक विस्पेरिडाइड सोडियम नामक दवा आती है, नामी जोड़ के नाम सुनती है बाजार में, उसका छिड़काव कर देंगे तो खरपतवार का बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाता है, फिर आपको कोई समस्या उसमें नहीं आती है। अगर आपने
रोपाई विधि से धान की खेती करनी है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो नर्सरी है उसकी उम्र 25 दिन से ज़्यादा नहीं हो, 25 दिन की होते होते आपको रोपाई कर देना चाहिए। उसमें फुटाव अच्छा होता है, पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रख करके आप धान की अच्छी पैदावार ले सकते। क्या कुछ डिस्टेंस भी होता है कि इतनी दूरी पे आपका उसकी? आमतौर पे जैसे रिकमेंडेशन तो ये की जाती है कि कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें और या 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। रुपाई जब किसान करते हैं तो रुपाई ठेके पे होती है, 4-5 मजदूर लगते हैं, एक एकड़ को रोप करके तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस तो बहुत मेंटेन नहीं करते हैं और दूर दूर रुपाई करते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखने की बात है कि हम खुद जो रुपाई चल रही है तो उसमें बीच में देखें, 1x1 स्क्वायर मीटर का एरिया ले लें और उसमें पौधों की संख्या जो है करीब 44 के आसपास होनी चाहिए। अगर हाथ से हम बताएं तो कितने वो, क्योंकि किसान वो समझ ना पाए हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि लाइन से लाइन की दूरी जो है वो करीब 1.5 बालिस के पास हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर के आसपास आएगी और प्लांट से प्लांट की दूरी 1 मीटर के आसपास इतना रखना चाहिए। लेकिन जब हम सीधी बिजाई करते हैं तो सीधी बिजाई में मशीन के द्वारा की जाती है सीड ड्रिल से, तो उसमें कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर मेंटेन होती है और कुछ सीड ड्रिल अब नए ऐसे आ गए हैं जिसमें पौधे से पौधे की दूरी भी 6 इंच जो है मेंटेन की जाती है। पहले जो सीड ड्रिल आते थे उसमें लगातार बुवाई करते हैं, लेकिन अब कुछ नए सीड ड्रिल आए हैं जिसमें कि 6 इंच पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन होती है। अगर ऐसा करते हैं तो पौधे में एरेशन होता है, पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पैदावार अच्छी आती है। एक सर और सवाल, अभी हमने बताया कि कुछ मौसम वैज्ञानिकों का प्रेडिक्शन है कि इस बार सूखा पड़ सकता है, वहीं कुछ मौसम वैज्ञानिकों का ये भी प्रेडिक्शन है कि जुलाई के बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। ऐसी स्थिति में जब धान की बुआई हो चुकी होगी ज़्यादातर जगहों पर, तो क्या किसान करें? अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कैसे फसल बचा सकते हैं? देखिए, अगर रुपाई हमने धान की कर ली है, पौधे जो है अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो गए हैं, फुटाव हो गया है, उस स्थिति में अगर बरसात ज़्यादा होती तो धान एक ऐसा पौधा है जो खड़े पानी में भी रह सकता है, खड़े पानी में उसका नुकसान नहीं होगा, सर्वाइव करता है। अगर वो डूब ना जाए, डूबने पे भी अगर मान लीजिए कि 12 दिन से अधिक डूबा या 12 दिन तक डूबा तब तो फिर नुकसान हो जाता है, फिर हमको दोबारा उस खेत में रुपाई करनी पड़ेगी या बुआई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 2 दिन 3 दिन 1 दिन फसल डूबी रहती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए और वो कुछ क्षेत्र हैं जो आइडेंटिफाइड क्षेत्र हैं, पिछली बार पंजाब में जब बरसात हुई थी तो कुछ इलाके में पानी जो है जमा हुआ था, हमारी निकास की व्यवस्था नहीं थी और पानी सोखने की क्षमता भी वहाँ पे ज़मीनों में नहीं है, वहाँ होना है। और जहाँ पे इस तरह की समस्या पहले से ज़्यादा है उन क्षेत्रों के लिए तो हम लोग कई नई किस्में विकसित किए हैं, जो बासमती तो नहीं लेकिन गैर बासमती किस्मों में जैसे संभा मसूरी है उसका एक सबवन करके किस्म निकाली है, स्वर्णा किस्म जो है उसका स्वर्णा सबवन निकाला है, और इनके अंदर सबमर्जेंस के अंदर करीब 12 दिन तक भी पानी अगर डूबा रहता है तो फसल को नुकसान नहीं होता है, पानी हटने के बाद दोबारा पकाव हो जाता है और अच्छी पैदावार मिलती है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि पहले से हमें पता है कि जहाँ पे जल भराव होगा वहाँ पे ऐसी किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि सबमर्जेंस टॉलरेंस वाली किस्में हैं। तो ये थे डॉक्टर ए के सिंह, जिन्होंने बताया कि इस बार धान की खेती आप कैसे करेंगे तो बेहतर होगा, आपकी पैदावार भी अधिक होगी और मौसम का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। डॉन जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्रा।